वसीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का कानून तो वैसे ही अंधा है और इंसाफ की तो यहाँ पे कोई उम्मीद है नहीं। बड़े खुश हुए थे सब लोग के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है जलसे की इजाजत दे दी गई है, वर्कर कन्वेंशन की इजाजत दे दी गई है। लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि बर्बरियत की इंतहा ये होगी कि एक तरफ तो 21 तारीख को एक मफरूर इश्तेहारी चोर भगोड़े को जो है वो रियासी प्रोटोकॉल के तहत जो है वो लाया गया, उसको हमारे उस मुजरिम को हमारे सीपीओ और हमारे जो कमिश्नर्स हैं और जो बाकी लोग हैं जो हमारी बाकी जो हैं उनको जो है उन सब ने उनको सल्यूट किए। तो शर्म का मकाम तो वहीं हमारी कौम के लिए डूब मरने का था कि जहां पे जो है एक मुजरिम को अगर इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है और एक मुजरिम को सल्यूट करते हैं वर्दी में लोग, तो इसका मतलब है कि हमारा मुल्क जो है वो वाकई में अंधे कानून और काले कानून के जो है वो उसमें घेरे में हिसार में जो है आया हुआ है। तो वो तो तयशुदा बात थी, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन का इतना खौफ है कि कोई कम अज कम जो है 3500 या इससे भी ज्यादा के करीब पुलिस जो है वो सिर्फ उस एक स्पॉट पे थी कि जहां पे वर्कर कन्वेंशन था। बाकी तो जो उन्होंने इर्द गिर्द के दाखिली और खारजी उसमें जो है जो उन्होंने पुलिस लगाई थी वो बिल्कुल अलग है। और अफसोसनाक बात यह है, जब्र और फसायत की इंतहा ये है कि इन लोगों ने वहां पर वर्कर्स को ना सिर्फ मारा, वर्कर्स को जो है वो 200 के करीब हमारे वर्कर्स जो है उन्होंने अरेस्ट किए। तो वो तो चले वर्कर्स से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, उनको आपने अरेस्ट किया, उन सहाफियों का या उनका क्या कसूर था कि जो वहां पर कवरेज के लिए आए हुए थे? सिर्फ इसलिए कि आपकी बर्बरियत और फसायत जो है वो कौम को ना दिखा सकें, वो दुनिया को ना दिखा सकें। आपने उनके कैमरास तोड़े, आपने उनको पकड़ के जो है वो जेलों में बंद कर दिया। अभी भी वो तीनों सहाफी जो हैं वो आपके पास वहां पे जो है वो मौजूद हैं, जेल में मौजूद हैं, आपके थाने में मौजूद हैं। आप उनको सिर्फ इसलिए नहीं छोड़े कि उनके पास वो वीडियोस मौजूद हैं जिनमें आपके खिलाफ सबूत हैं कि आप लोग जो है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ कर रहे थे। शर्म का मकाम है आपके लिए। आप हमारे मुहाफिज हैं, आपकी हम इज्जत करते हैं सबकी, लेकिन अगर आप इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर जुल्म करते रहेंगे किसी और के कहने पर, जिस तरह कल आपने वीडियो में कहा जी हमें तो ऊपर से हुक्म है, तो फिर अफसोस और शर्म का मकाम है। और मोहसिन नकवी साहब को मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मोहसिन नकवी साहब, हम ये तो जानते हैं कि आप कभी भी किसी के लिए इंसाफ नहीं कर सकते और आप कभी भी किसी मजलूम इंसान की जो है वो दादरसी नहीं कर सकते, मगर हमें ये नहीं पता था कि आप वजीरे आला जो के जो है गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर आप अभी भी बैठे हुए हैं कि आप इस हद तक जो है आप चले जाएंगे कि आप उस भगोड़े को, उस मुजरिम को, उस मफरूर को कि जिसपे केसेस हैं उसके खिलाफ तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया, उसको तो आपकी रियासी मशीनरी ने जो पूरा प्रोटोकॉल दिया। और कल वर्कर्स के बारे में आपने ये कहा जी जो है वो इन्वॉल्व है किसी उसमें, तो किसी मुजरिम को, किसी जो है उसको मुलजिम को जो है हम वो एनओसी नहीं दे सकते। शर्म का मकाम है आपके लिए कि उनमें से बता दीजिए कि कौन सा मुलजिम था उन वर्कर्स में जिन मासूम वर्कर्स को आपने जो है कल गिरफ्तार करवाया है। तो ये याद रखिएगा, सारी जिंदगी की चांदनी नहीं है ये, इंशाल्लाह ताला वो वक्त करीब है कि जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपनी फुल स्ट्रेंथ शो करेगी और इंशाल्लाह ताला ये जो आपका जुल्म और बर्बरियत और जब्र है इंशाल्लाह ताला ये खत्म होगा। और वो तमाम लोग कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म किया है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक इंसाफ जरूर करेगा। और वो वक्त आएगा कि जब आप सब माफिया मांगेंगे, लेकिन आप लोगों को माफिया नहीं मिलेंगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, और हमें फख्र है अपने वर्कर्स पे कि जिन्होंने कल ये इनिशिएटिव लिया। वी आर प्राउड ऑफ आवर टीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान पाइंदाबाद।